आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। यशवीर डागर ने आज जवाहर कॉलोनी में एक बड़ा महिला सम्मेलन बुलाया है। हजारों महिलाएं यहां पर आई हुई हैं, आप लोग देख रहे हैं भैया, हजारों महिलाएं यहां पर आई हुई हैं। ये देखिए भाई, महिलाएं ही महिलाएं यहाँ पर आई हुई है। सौभाग्य वाटिका है जवाहर कॉलोनी में गुरुद्वारा रोड पर, वहीं पर ये देखिए महिला सम्मेलन बुलाया गया। राम राम जी। राम राम जी। नाम बता दो शर्मा। उमर सपना। सपना। सपना जी। हाँ जी। यशवीर जी को समर्थन देंगी? आप लोग शर्मा रही हैं, सारे शर्मा होंगे तो कैसे काम बनेगा है जी। आओ फिर शर्मा रही, कोई बात नहीं, वो यशवीर को ये बता जी। बिल्कुल देंगे, ठीक है जी। आज महिला सम्मेलन आज बुलाया गया है, आप लोग देख रहे। राम राम अम्मा। राम। ठीक है आप तब? ठीक है। यशवीर जी को वोट देंगी? यशवीर जी को, यशवीर जी को वोट देंगी आप? हाँ, जिन्होंने आज बुलाया है महासम्मेलन वोट दे रहे हैं आप लोग? हम यशवीर जी को जानते हो? नहीं जानते। भाजपा नेता? हाँ जी। जिन्होंने आज सम्मेलन बुलाया है वो खड़े हैं, उनको वोट देंगे इस बार आप लोग? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, तो देखिए तमाम महिलाएं आज महासम्मेलन बुलाया गया है। आपको दिखाते हैं किस तरह से महासम्मेलन में यशवीर डागर का स्वागत हो रहा। भैया खचाखच भीड़ है, देखिए महिलाओं की चारों तरफ हमारे कैमरामैन दिखाएंगे घुमा घुमा के किस तरह से यहाँ पर भीड़ आई हुई है महिलाओं की। ये सभी महिलाएं देखिए यहाँ पर पहुंची हैं यशवीर डागर को आशीर्वाद देने के लिए। और इधर देखिए स्टेज पर यशवीर डागर खड़े हैं। बिल्कुल भाई, यहाँ पर तो बिल्कुल जगह ही नहीं। राम राम जी। ठीक है सब बढ़िया? देखिए सब लाल लाल हो गया आज तो। यशवीर डागर ने आज महिला सम्मेलन यहाँ पर बुलाया है 1986 विधानसभा में, जवाहर कॉलोनी का एरिया है, देख सकते हैं भाई भीड़ काफी ज्यादा है, महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं। और इधर हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, इधर दिखाए। राम राम जी। राम राम। अब बात करेंगे आपसे। राम राम। इधर बात। ठीक है आप? हाँ जी ठीक है। यशवीर डागर जी को समर्थन देंगे इस बार? बिल्कुल समर्थन देंगे, बिल्कुल समर्थन देंगे। आप समर्थन दे रहे हैं? हाँ जी। अच्छा जी, हाँ जी। यशवीर डागर वोट देंगे उनको? हाँ वोट देंगे। सभी यही कह रहे हैं इस बार भाजपा नेता यशवीर डागर को वोट देंगे भाई। तो यहाँ पर महिला सम्मेलन बुलाया तो काफी भीड़ भी आ गई है। हाँ जी बहुत भीड़ है यहाँ पे। आशीर्वाद आप लोगों ने दे दिया है? सबका आशीर्वाद रहेगा जी, सबका आशीर्वाद रहेगा, देख रहे हैं भाई सबका आशीर्वाद रहेगा। अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर आई हुई है तमाम, उधर भी हजारों महिलाएं हैं। देखिए कैमरा उठाकर दिखाएंगे तो महिलाएं ही महिलाएं दिखाई पड़ रही हैं चारों तरफ, तो हजारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ आई हुई है। तो एक बड़ी ताकत आज यशवीर डागर ने दिखाई है महिला सम्मेलन ऑर्गेनाइज करके, क्योंकि ये अगर फरीदाबाद की बात करें तो 6 विधानसभा है, लेकिन 6 विधानसभा में सबसे ज्यादा महिलाएं इस सम्मेलन में आई हैं। तो समझ सकते हैं भैया तालियां भी बज रही हैं, इसका मतलब है कि ताकत पूरी लगा रहे हैं, मेहनत पूरी कर रहे हैं यशवीर डागर। यही वजह है कि इतना ज्यादा आशीर्वाद मिल रहा है। स्टेज पर भी सैकड़ों सैकड़ों महिलाएं बैठी हुई हैं, इधर से उधर चारों तरफ दिखाओ भाई। गर्मी वगैरह नहीं लग रही है आप लोगों को? नहीं गर्मी तो लग रही है, पर ऐसे में गर्मी भी नहीं लग रही है। यहाँ खुशी का माहौल है, हमारे यशवीर डागर जी खड़े हैं इसलिए। अच्छा जी। गर्मी तो बहुत लग रही है, लेकिन हम डागर जी की हमें चुनाव में खड़े होने की इतनी खुशी है कि हम सब कुछ भूल बैठे हैं। झेल रहे हैं गर्मी, फुल वोट भी देंगे इनको? वोट देंगे, हमारे साथ वाले भी फुल सपोर्ट में हैं, फुल वोट वोट देंगे। टिकट भी इन्हीं के लिए मांग रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल, टिकट भी मिलेगा, वोट भी देंगे आप लोग। यम्मा भी आगे करें, आप भी वोट देंगे? बिल्कुल पक्का दूंगी भैया, बिल्कुल। कहाँ रहती हैं? हम डबुआ गांव में रहते हैं, IM में बेस्ट एक यूट्यूबर और रेखा देवी। यूट्यूबर है? हाँ जी यूट्यूबर है, मैं आपको ढूंढूंगा। अच्छा जी, IM में बहुत सारे जो हमारे फॉलोवर हैं, और आप सभी हमारे साथ बने रहे, लाइक और सब्सक्राइब कर। फरीदाबाद न्यूज पे ढूंढना, आपकी वीडियो मिलेगी। अच्छा जी थैंक यू। कौन से चैनल पे मिलेगा? फरीदाबाद न्यूज। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब यहाँ हम यहाँ पहुँचे हैं बड़े जद्दोजहद से, बस में पहुँचे हैं। गर्मी इतना बहुत बुरा हाल है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही, ज्यादा बहुत ज्यादा, लेकिन इतना पंखा भी है लेकिन कूलर भी है,
लेकिन कोई काम ही नहीं कर रहा गर्मी के मारे। अब रक्षाबंधन एसबी डागर के साथ मनाओगे ना आप लोग? बिल्कुल सब बच्चों के साथ आशीर्वाद देके। बिल्कुल सब बच्चों के साथ मनाएंगे ना। अच्छा जी, आशीर्वाद पूरा है। थैंक यू बहुत सारा, ढेर सारा बच्चों को भी। मैं आपको यूट्यूब पर ही ढूंढूंगा। अच्छा, ढूंढने की जरूरत नहीं, हम सामने ही मिलेंगे आपको। थैंक यू। ठीक है, देख सकते हैं भैया महिलाओं का अच्छा खासा आशीर्वाद मिल रहा है। शक्ति नारी धन्यवाद। नारी शक्ति, बाबू, हाँ नारी शक्ति जिंदाबाद। और बाबू को भी पसीने आ रहे, ये भी जिंदाबाद। अच्छा, गर्मी में मेहनत कर रहे हैं, ये भी जिंदाबाद। इनको भी सपोर्ट होना चाहिए, है भाई? ठीक है, धन्यवाद। तहे दिल से अपना भी ध्यान रखे, गर्मी हो रही बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, झेल लेंगे हम तो। यहाँ मेहनत करने वाले सभी सेवादारों का दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। तो देख सकते हैं भैया महिलाओं का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है एसबी डागर को। भैया एसबी डागर उधर खड़े हैं, भाजपा नेता हैं और NIT 86 से टिकट मांग रहे हैं, चुनाव यहां पर लड़ना चाहते हैं। 1 अक्टूबर को मतदान है। तो भाई भीड़ बहुत ज्यादा है, गर्मी भी लग रही है, लेकिन इन महिलाओं को गर्मी नहीं लग रही है। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। इनको तरक्की दे और आगे बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा इनके फॉलोवर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, हमने लाइव दिखाया आपको जवाहर कॉलोनी 86 विधानसभा से। सौभाग्य वाटिका है। आइए आइए आइए, भीड़ है, आओ जी। एसबी डागर कुछ बोलेंगे।